अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमदन कसीरन तय्यबन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے گزشتہ سے پوستہ جمعہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے اس حصے تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جو مہمان آئے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ان کو لینے کے لیے قوم کے لوگ آ گئے حضرت لوط کے گھر. اس کے ضمن میں کچھ باتیں ہم نے پڑھی تھیں اور ایک واقعہ پڑھ رہے تھے. جب وقت ختم ہوا تو میں نے بات بند کر دی تھی کہ مدینہ طیبہ میں ایک شادی ہوئی تھی جو لڑکی تھی دلہن تھی وہ مدینہ کی تھی انصار میں سے اور جو دولے تھے صحابی تھے وہ مہاجر تھے مکہ سے آئے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ مختلف طریقے رائج رہے ملن کے, لیکن جب یہ شادی ہوئی تو جب جو شوہر تھے ان کے انہوں نے جب اظہار کیا تو وہ کہنے لگیں کہ یہ تو ہمارے ہاں اس کا تو رواج نہیں ہے بلکہ مدینہ میں اور ہمارے ہاں تو یہ اسے ادب کے خلاف مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں بس یہ ہے کہ ٹھیک ہے اہلیہ ہیں لیٹ گئیں بات ختم ہو گئی. لیکن جب بات آگے بڑھنے چلی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں اب حق میں کیا شرم ہے, حلال تو حلال ہے اس میں کیا شرم ہے. یہاں تک ہم نے کچھ اس کا خلاصہ پڑھا تھا. اب آگے علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया है उसका माना उलमा ने लिखा है, उसका मफहूम उलमा ने लिखा है कि हैयतें मुख्तलिफ तरीके से इख्तियार की जा सकती हैं, लेकिन हाँ जगह एक होनी चाहिए जहां से औलाद का जन्म होता है। ये है मसला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया तो बात वाज़े हो गई कि अल्लाह माफ फरमाए जो कौम लूत के अंदर बीमारी थी कि लवातत भी जुर्म है, वो तो अपनी जगह है कि इंसान मर्द के मर्द, लेकिन वो या इस तरह की कोई हरकत वो अपनी अहलिया के साथ भी नहीं कर सकता। ये अहले सुन्नत व जमात उलमा का मुत्तफिक अलैह मसला है और बिल्कुल बेगुबार है और इसमें कोई यानी लगी लिपटी वाली बात नहीं है। ये तब भी था, ये आज भी है। और याद रखिएगा जैसे कि शायद अभी एक दो रोज पहले ही किसी साहब ने राबता करके पूछा कि गर अहलिया मखसूस अयाम में हो, याद रखें उलमा ने लिखा है अहलिया मखसूस अयाम में भी हो तो ये बात नहीं है कि लवातत वाला फेल जायज हो जाएगा, ना नहीं। तो बहरहाल खैर ये मजलिस उन मसाइल की नहीं है, आप अपने मौके पर पूछ रख सकते हैं, मैंने कुछ ना कुछ इशारा कर दिया है। आगे पढ़ते हैं, जब हजरत लूत अलैहि सलातु वसलाम के यहां वो मेहमान आए और कौम को इतला मिली कि हजरत लूत अलैहि सलातु वसलाम के यहां कुछ लोग आए हैं, कुछ मेहमान आए हैं, वैसे तो हमने आज तक कभी देखे ही नहीं। अब वो सारी की सारी कौम हजरत लूत के घर पर टूट पड़ी। हजरत लूत अलैहि सलातु वसलाम ने देखा उनको तो हजरत लूत अलैहि सलातु वसलाम परेशान, हजरत ने फरमाया क्या कर रहे हो बदबख्तो। उन्होंने कहा हम वो मेहमान लेने आए हैं, हमने सुना आपके यहां कोई मेहमान आए हैं, आप हमारे हवाले करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कह रहे हो, इतना गलत फेल करते हो जिसकी कोई मिसाल तारीख आलम में नहीं मिलती है, क्या कर रहे हो, मुझे मेरे मेहमानों के आगे रुसवा मत करो। बल्कि कुरान पाक में यहां तक अल्लाह हजुर जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया कि हजरत लूत ने फरमाया था अपनी कौम वालों से कि काला या कौम हा उला नाती, ये मेरी बेटियां, ये मेरी बेटी। लेकिन खैर ये चीज सुने, यहां पर जो ये ऐसी बात नहीं है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी सगी बेटियां उनके आगे पेश की हों, ये बात नहीं। हजरत लूत की तो सिर्फ दो बेटियां थी, क्या उन्होंने पूरी कौम के लिए वो पेश की थी? नऊज़ बिल्ला, ये इल्जाम है, ये बात नहीं। बल्कि दरअसल उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि काल या कौम हा उला बनाती का माना यह है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो उम्मत के अंदर जो औरत है, जो खातून है, वो चाहे किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो पैगंबर की बेटी है। ये माना था उसका, बेस गुबार माना है उसका। हजरत लूत की अपनी हकीकी बेटियां तो दो ही थी, क्या वो पूरी कौम के लिए वो पेश करेंगे? ना उस बिल्ला, ये तो वसवसा है। उलमाए मुहक्किकीन का फैसला ये है कि दरअसल हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की हर खातून को अपनी बेटी करार दिया है, और ये कोई ऐसी बात नहीं, खुद कुरान पाक में मौजूद है कि आप देखें अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि हमारी जानों से भी ज्यादा कीमती अल्लाह के रसूल हैं। वह अजवाजुहू उम्महातुहुम, और नबी की जो बीवियां हैं वो उम्मत की माएं हैं। तो उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है जब नबी की अहलिया उम्मत की मां हैं तो नबी रूहानी तौर पर उम्मत के बाप हैं, और यही बात हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, जो फितरी राह है, जो फितरी तरीका है, उस पर चलकर आओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन उनका आगे से जवाब ये था कि हमें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जानते हो हम क्या चाहते हैं, आप उनको हमारे हवाले करो। बल्कि कुरान पाक में अल्लाह हुजूर जलाल वल इकराम ने फरमाया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद, क्या तुम में एक शख्स भी नहीं है जो नेक राह वाला हो,
साहेब अक्ल हो, साहेब फहम हो, मुझे मेरे मेहमानों के आगे क्यों रुसवा कर रहे हो। काफी अरसे की बात है, एक शख्स गुजरा, अब तो गालिबन वो फौत हो गया। उसने एक किताब लिखी, उसका नाम उसने रखा था या लैत कौमी यालमून, सूरह यासीन में है ये। तो जब उसने वो किताब लिखी तो हिंद के एक आलिम ने उस किताब का जवाब लिखा था, वो भी फौत हो गए, मौलाना अब्दुल कुद्दूस रूमी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जो जवाब लिखा था उस किताब का नाम उन्होंने रखा था अलैसा मिनकुम रजुलुन रशीद। बहरहाल एक अजब बातें होती हैं ये। वैसे जमीन में ये बात याद आई, अच्छा उलमा ने लिखा है जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जवाब से वो इस तरह मायूस हुए ना, तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा का फरमान साहिब हिदायत की चिराग ने लिखा है कि ये गुफ्तगु इस तरह होने लगी, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जल्दी से घर का दरवाजा बंद किया, मेहमान अंदर थे जो दरअसल खुदा के फरिश्ते थे, और हजरत लूत ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अब ये वो, अब पहले गुफ्तगू तो इस तरह होती रही बंद दरवाजे के आसपास, लेकिन जब वो समझ गए कि हजरत लूत इनको हमारे हवाले नहीं कर रहे, तो अब उन्होंने दीवारें फलांगने की कोशिश की। अब जब उन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की, हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए। قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد او اوي الى ركن شديد ہے قوم ہے کاش میرے پاس کوئی طاقت ہوتی आज मेरे पास कोई कुव्वत होती, मैं अपने मेहमानों की हिफाजत करता, मैं अब अकेला आदमी पूरी कौम का कैसे मुकाबला करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रहम अल्लाहु लूतन, अल्लाह हमारे भाई लूत पर रहम फरमाए, देखो कैसे परेशान होकर अपने मेहमानों के लिए रो रहे थे। قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد, काश मेरे पास कोई ताकत होती, मेरे पास कोई कुव्वत होती। अब जब ये मरहला आया तो कुरान पाक में अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, असल बात यह है, देखें उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तो हुज्जत तमाम कर रहे थे कि वो अपने जुर्मों का इस तरह इकरार कर रहे हैं, खोल के कह रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। अंबिया अलैहिस्सलाम के किसस में बड़े अनवार हैं, शर्त यह है कि इंसान तवज्जो करे, गौर करे। अब जब यह मरहला आया तो उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा है कि अल्लाह हज़रत जलाल वल इकराम ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया कि इससे पहले वो जो मलाइका की जमात आई हुई थी वो ये सारा मंजर देखती रही, कुछ बात नहीं इरशाद फरमाई। कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ उलझ रही है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बस में जो कुछ था पैगंबर ने किया, लेकिन उस मौके पर मलाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता जब यह मरहला आया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस तरह घबराए और इस तरह जब इजहार फरमाया, देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि रहिमल्लाहु लूतन। जब यह मौका आया तो हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, और अब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने और खुदा के फरिश्तों ने जवाब दिया कि कालू या लूत, ए लूत अलैहिस्सलाम के इन्ना रुसुल रब्बिका, हम तो अल्लाह के भेजे हुए आए, ये हमें क्या छुएंगे, ये आपको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप जाए यहां से,
بلکہ ساتھ ہی میں فرما دیا کہ اپنے مرحلے پر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے یہاں سے. ہاں ان کا فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن ساتھ ہی جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر جائیں, وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ ہاں یہ ہے جب چلے جائیں گے تو پیچھے پلٹ کے مت دیکھیے گا کوئی ایک بھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں ساتھ آگے پھر ملائکہ نے یہ بھی اظہار فرما دیا کہ ہاں آپ کی اہلیہ رہ جائے گی, باقی پر جو قہر آئے گا وہ قہر اس پر بھی آئے گا. اچھا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ مرحلہ آیا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام چلے, رہ گیا مسئلہ اہلیہ کا, تو دو قول علماء نے لکھے ہیں, ہم سارے تو نہیں پڑھ سکتے بس ایک لے لیں مثال کے طور پر. علماء نے لکھا ہے کہ چلی تو وہ بھی تھی اپنے شوہر بیٹیوں کے ساتھ, لیکن راستے میں جب راستہ طے کر رہی تھی نا, اب پیچھے جو مرحلہ تھا, اب اس کے لیے جو پیچھے قوم تھی, مراد یہ ہے جو پیچھے قوم تھی ان کے لیے اب اللہ ذوال جلال والاکرام کا حکم, اللہ ذوال جلال والاکرام کا قہر واقع ہوا. فلما جاء امرنا, اب اللہ کا قہر آیا, اور کیسے آیا کہ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حکم دیا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو قوم تھی نا, جو بستی تھی ان کی, اس کے نیچے اپنا پر داخل کیا زمین کے, اور وہ پوری بستی حضرت جبرائیل کے پر پر ایسے آ گئے. حضرت جبرائیل تو حضرت جبرائیل ہیں, ملائکہ کو اللہ ذوال جلال والاکرام نے جو قوت دی ہے, جو طاقت دی ہے, وہ ضرب المثل ہے. ان کی رفتار, ان کے انوار, ان کی قوتیں وہ برداشت انسان نہیں کر سکتا. اس پر جو اٹھایا, اب اللہ ذوال جلال والاکرام نے حکم دیا اوپر لیا. فلما جاء امرنا, یہ اللہ کے قہر کا حکم تھا جو جبریل نے یوں اٹھایا, سیدھا اللہ نے فرمایا اوپر لے آؤ. حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس بستی کو اٹھایا اوپر کی طرف لے کر گئے, کہاں تک لے کر گئے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی بلندی تک لے کر گئے کہ اوپر کی فضاؤں میں جو خدا کے فرشتے ہیں ان کی تسبیح کی آواز یہ سننے لگ پڑے, اور ان کی آوازیں انہوں نے سنی, اتنے اوپر تک لے کر گئے. اب جب اوپر لے کر گئے, اب اللہ ذوال جلال والاکرام کی طرف فرمایا, اللہ کیا حکم ہے؟ اب قرآن کہتا ہے جعلنا عالیہا سافلہا, اللہ نے فرمایا اب الٹو ان کو. اوپر لے کر اب اللہ نے فرمایا سافلہا, الٹو ان کو, الٹا کر. اچھا یہ ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا ہو, علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ عذاب من جنس العمل, جیسا گناہ ویسا عذاب. وہ بھی لڑکوں کو اس گندے کام کے لیے الٹتے تھے نا, تو اللہ ذوال جلال والاکرام نے اس جرم کی سزا ان کو دی ہے, جعلنا عالیہا سافلہا, ان کو بھی الٹ کے مارو. اب وہاں سے جو الٹا ان کو, اب قرآن آگے کہتا ہے وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ, قرآن میں ہے. اللہ ذوال جلال والاکرام نے فرمایا, دیکھیں یہاں ہمارے اوپر اللہ تعالی نصیب فرمائے خیر کی بارش. بارش ہوتی ہے کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی ہوتا ہے وہ, لیکن قرآن کہتا ہے جو ان پر بارش برسی ہے, وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً, وہ پتھروں کی بارش تھی, اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ سِجِّيلٍ مَنْزُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ, ایک ایک پتھر پر ہم نے نام لکھ کر کندہ کیا کہ نقش کیا کہ یہ پتھر فلاں کو جا کر لگے, اور وہ پتھر اسی کو جا کر لگا, کسی دوسرے کو نہیں. اور آگے ذرا یہ سنیں جو علماء مفسرین نے لکھا, جو حضرت لوط کی اہلیہ ان کے ساتھ چلیں, وہ راہ پر تھیں اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ تو چلنے لگیں, لیکن جب یہ پہلا دھماکہ ہوا نا تو اس نے پلٹ کر دیکھا,
जबकि हजरत जिब्राइल क्या फरमा गए थे कि वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, उनमें से कोई पीछे आप में से पलट कर ना देखे कि उनका क्या हो रहा है। लेकिन बीवी ने पलट कर देखा, जब देखा तो उलमाए मुफस्सरीन ने लिखा कि उन पत्थरों में एक पत्थर इनके नाम का भी था, हजरत लूत की बीवी के नाम का भी था, वो जहां थी वहीं आकर लगा, वहीं ढेर हो। क्यों? वो खुदा का कह रहा था। कोई बात आपको समझ आ रही है? अच्छा, अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने और उनकी बेटियों को बचाया, बल्कि बाज़ उलमा ने तो लिखा है कि उस बस्ती में वो बस ये खुदा के मानने वाले लोग थे, एक हजरत लूत थे और दूसरे हजरत लूत की दो बेटियां, उसके सिवा तो बाकी सब यही था। अच्छा, चलते चलते ये भी सुने, दुरुस्त पढ़ लें, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम सल्ली अलैहि। चलते चलते ये भी सुने, इस दुनिया में आपने सुना होगा एक मुल्क है उर्दन, जिसे जॉर्डन कहते हैं। ये उर्दन में एक दरिया है, समंदर, उसे बहरे मैयत कहते हैं। उलमा ने लिखा है, एक मुअर्रिख गुजरा है पुराने जमाने में जोसेफस के नाम से, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, लेकिन ये मजहबन यहूदी था, अहले किताब था, लेकिन मुअर्रिख था। इसने दावा किया था कि ये जो जगह है जहां आज उर्दन में बहरे मैयत है, उसने ये लिखा था कि हजरत लूत की कौम यहीं कहीं आबाद थी। आज उस जगह पर पानी है, लेकिन उलमाए जोग्राफिया की तहकीक ये है कि पुराने जमाने में, हजरत लूत के जमाने में, वहां कोई दरिया समंदर नहीं था, बल्कि ये दरअसल जब हजरत जिब्राइल ने उनकी कौम को उठाया था वहां से ऊपर लेके गए, तो जैसे ही उस कौम को उठाया और उल्टा गया था, वहीं से ये पानी निकला है। जो आज भी है ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि अगर इसको बाज़ अकाबे ने फरमाया झील करार दिया जाए तो बेजाना होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 मील लंबा है, ज्यादा से ज्यादा 11 मील चौड़ा है बस, और उसके इर्द गिर्द भी, उसके इर्द गिर्द भी कोई बड़ा समंदर नहीं है। इसलिए उन मुअर्रिखीन की बात को हमारे जदीद उलमा ने बड़ी वजाहत के साथ तस्लीम किया है कि पता यह चलता है कि हजरत लूत के जमाने में वहां कोई नहीं था, यह तो उसी कहर का असर है। कोई बात आपको समझ में आ रही है? लोग तो आज भी जाते हैं जगह देखने के लिए। अच्छा, एक और बड़ी चीज है, इसी बहरे मैयत को शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने बड़ी अजीब बातें लिखी हैं इसके बारे में। जिन हजरात का रुझान यह है ना कि यही वो जगह थी जहां हजरत लूत की कौम आबाद थी, और ये वही किता है जहां उस कौम पर अजाब आया था, और ये उसी का नतीजा है जो ये पानी उभरा है नीचे से। अच्छा, आज भी जुग्राफिया के हजरात लिखते हैं सतह जमीन, सतह समंदर से पूरी दुनिया में सबसे नीची जगह है, सबसे पूरी दुनिया से अगर इंसान नापे समंदर की सतह, जमीन की सतह, सबसे पूरी दुनिया में ये नीची जगह है जहां वो पानी। इसलिए मुफ्ती तकी साहब ने लिखा, ये जो लफ्ज है ना कुरान पाक में, जालना आलियाहा साफिलाहा, इसका एक माना तो यही है ना कि इनको उलट के मारो। मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है ये ऐन मुमकिन है कि ये माना भी इस मफहूम में दाखिल हो कि अल्लाह जुल जलाले वाले इकराम ने एक उस जुग्राफियाई हकीकत की भी निशानदी की है जिस पर दुनिया 1400 साल बाद पहुंची है, वही ने 1400 साल पहले बताया है। दुनिया तो आप 1400 साल बाद फैसला करें ना कि पूरे कुरान आप से सबसे नीची की जगह है ये, लेकिन कुरान 1400 साल पहले कह रहा है जालना आलियाहा साफिलाहा। कुरान तो कुरान है। कोई बात आपको समझ आ रही है मेरे भाइयों? अच्छा, बात मुफ्ती तकी साहब की अर्ज कर रहा था, मुफ्ती तकी साहब ने कि ये वही जगह है, जिन हजरात ने ये रुझान पेश किया है कि ये वही जगह है,
इसके 5 कराइन लिखे हैं। कराइन ये असल में करीना, अब ये इल्मी इस्तिलाह है, उसकी वजाहत का तो वक्त नहीं है, वरना मेरा ये दर्स भी आज यहीं रह जाएगा। मेरा इरादा है मैं इसको आज पूरा कर लूं, पूरा कर लूं जी। तो बोलो तो सही, अभी तो हफ्ता बाकी है, आप लोग पहले ही थके हुए हो, किस चीज का हफ्ता बाकी है? मुझे कल एक दोस्त कह रहे थे, इमाम साहब जल्दी शुरू करो, जल्दी पूरे हो जाए। बहरहाल अल्लाह ताला नसीब फरमाए। मुफ्ती तकी साहब ने 5 कराइन लिखे हैं, अब वक्त नहीं मैं वो सारे पढूं, अलबत्ता उनमें से आपको एक सुनाता हूं, बल्कि 2। समंदर हो ना, समंदर दरिया, इनमें नमकियात होती हैं, होती हैं या नहीं? और बोलो तो सही, होती है ना। अच्छा, उलमा ने लिखा है, ये एक अजब बात है कि आम तौर पर ये जो बड़े बड़े दरिया हैं, समंदर हैं, इनकी नमकियात का जो दर्जा है ना, ये तकरीबन 4% से 6% तक जाता है, बस 4 डिग्री से 6 डिग्री बस। लेकिन आगे उलमा ने लिखा है कि ये जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से बहरे मैयत बयान कर रहे हैं उलमा, पूरी दुनिया के समंदरों में जहां तक अब तहकीक आई है वो यही है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर नमकियात है, जो दर्जे के लिहाज से 23% से लेकर 25% तक गई हुई है। जाहरी तौर पर यह एक बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात, मछली और पानी ये लाजिम और मलजूम है या नहीं? और बोलो तो सही, है ना। अच्छा, ये जो झील है ना जिसे बहरे मैयत कहा जाता है, इसके बारे में ब्रिटेनिका में छपा है कि इसके अंदर कोई मछली कोई जानवर जिंदा नहीं रह सकता, आप उसको जिंदा डालो अंदर डलते ही मर जाता है, यही वजह है कि उसे बहरे मैयत और बहरे मुर्दार कहा जाता है, उसमें कोई जिंदगी नहीं रह सकती। बल्कि मुफ्ती तकी साहब ने लिखा है कि कई राहों से बड़े दरिया का पानी, बड़े समंदर का पानी भी इसमें आकर गिरता है। जब वो गिरता है ना तो साथ में वो अपनी मछलियां भी कहीं ना कहीं ले आता है। जब मछलियां वहां से आती हैं जिंदा होती हैं, इसमें जैसे ही पहुंचती हैं मर जाती हैं। इसीलिए इसको उलमा आज भी लिखते हैं बहरे मैयत, और बात तो सीधा लिखते हैं बहरे मुर्दार, वही चीज है, एक ही बात। अब इसकी जाहिरी सबब तो यही बताई जाती है कि बनिस्बत और पानियों के इसमें नमकियात सबसे ज्यादा है, इसलिए कोई जिंदगी इसमें रह नहीं सकती। ये जाहिरी सबब होगा तो होगा, लेकिन बातनी सबब तो यही है जो उलमा ने करार दिया है कि वो असल में खुदा के कहर का नतीजा है, उसमें कोई जिंदगी आज भी नहीं रह सकती। कोई बात आपको समझ में आई है? और बोलो तो सही। अल्लाह ताला बस हमें फहम नसीब फरमाए। अब तो जिस हाथ दौर से हम गुजर रहे हैं, मैंने पहले भी कहीं अर्ज किया कि मौलाना मंजूर अहमद चिनौटी रहमतुल्लाह अलैह ने 1984 में इजहार फरमाया था कि अब इल्मी तकरीरें नहीं होती। कब फरमाया था? इल्मी से मुराद यहां हजरत की मालूमाती तकारीर है। कब फरमाया था? 1984 में। अब कौन सा सन है? 2000। अब मालूमाती होती हैं, है ना। मेरी आप मत मानो, आप खुद तजर्बा कर लो भाई। बात यह है कि ये वाकयात कोई ऐसे तो नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आपने मुझसे पहले पढ़ रखे होंगे, सुन रखे होंगे। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा ने लिखा है ये बहरे मैयत है, और ये वही जगह है जहां से उनको उठा के खुदा ने पलटा था, और आज भी कोई जिंदगी हजारों साल, हजरत लूत आज के नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पीछे आप जाएं, हजरत इब्राहिम का जमाना और हजरत लूत का जमाना एक है, तब से लेकर आज तक कोई जिंदगी वहां जी नहीं पाती। और आप हैरान होंगे, जहां कुरान पाक में अल्लाह जल जलाल वल इकराम ने यह आयत पूरी फरमाई है ना, जहां कुरान की आयत पूरी हुई है, वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद, यहां पे ये आयत पूरी होती है। और हाफिज बैठे होंगे वो जानते हैं कि यहां 12वें पारे का दूसरा पाव भी पूरा हो जाता है सूरह हुद का।
ये जो जुमला है ना वमा हिया मिन ज़ालिमीन बिबईद, उलमा ने दो माने लिखे हैं, उनमें से एक माना पता क्या उलमा ने किया है, उसका दूसरा माना उलमा ने यही किया है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर हम पहलों पर पत्थर बरसा सकते थे उनकी उन गंदी हरकतों की वजह से, तो अगर तुम भी कोई गंदी हरकतें ऐसी करोगे हम तुम पर भी बरसा सकते हैं। खुदा के कहर से बेखौफ नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना आज। या पता है उलमा ने लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तफसीर में कि ये एक अजब मौका है, शैतान का अजब हथकंडा है कि आम तौर पर किसी को कहो ना कि जी नमाज पढ़ लो रोजा रख लो, कहता है जी अल्लाह जी बड़े गफूर रहीम है। उलमा ने लिखा है ये उसको शैतान का वसवसा आ रहा है, जो हकायक हैं वो अपनी जगह कायम हैं, अल्लाह गफूर भी हैं अल्लाह रहीम भी हैं, लेकिन सिफते रहीम और सिफते गफूर को याद करके उसकी पाक सिफते कहार से गाफिल मत हो जाओ, वो तुम्हें गाफिल कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मसलक सही यही है कि खुश रहो कि अल्लाह गफार हैं, लेकिन डर के रहो कि अल्लाह कहार है। इसलिए कभी भी खुदा के हुक्मों से टकराने की कोशिश नहीं करना। और कभी यह चीज भी होती है, देखें हो सकता है कि आप और हम नमाज भी पढ़ते हों, रोजा भी रखते हों, जकात भी देते हों, हज भी करते हों, लेकिन कभी कभी अगर सामने कोई बुराई करते नजर आए बस में हो हिकमत के साथ, तो उनको समझाने की भी कोशिश करो, उनको उनके हाल पर मत छोड़ो। ये कुरान और सुन्नत की तालीमात में आपको मिलेगा। खुदा ना करे कोई हमारा भाई हमारा बंदा गलत काम में है तो उसको मौका हो, ये नहीं है कि उसके साथ उलझ पड़ो लड़ पड़ो, हिकमत के साथ प्यार के साथ उसको तनबीह करो। लेकिन हमारे एक उस्ताद थे वो फरमाया करते थे तनबीह भी हम ये तो कर देंगे, मियां नमाज पढ़ लो रोजा रख लो ये तो फिर भी हम कह ही देंगे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अगर कोई जुआ खेल रहा हो हम कभी नहीं उसको बोलेंगे जुआ मत खेलो, बोलेंगे? और बोलो तो सही, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर कोई शख्स घोड़े लगा के लॉटरी के लिए लाइन में खड़ा हो हम कभी उसको नहीं बोलेंगे क्या कर रहे हो। बल्कि मैं आपको ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि मेरे पास कई आए हुए जी उस्ताद जी छोड़ो वो जो खेलते हैं उनको खेलने दो, लगाते हैं लगाते हैं, आपको क्या है, आपने अपनी कब्र में जाना है उनको उनकी कब्र में जाना है, ये गलत बात है। ये खुदा के कहर जो उन पर आएंगे उसका अपने आप को हकदार बनाना है। याद रखिए नेकियां जो होती है ना नेकियां, इसमें आखिरत पर निजात पर उम्मीद बन जाती है। और बुराइयां जो होती हैं ये हो सकता है आपने उलमा से सुना हो, बुराइयां जो होती हैं ये खात्मा बिल शर का नतीजा बन जाती हैं कभी कभी। गुनाह को ऐसे छो हल्का नहीं समझो, ये नहीं सोचो कि लॉटरी लगाएंगे कोई हर्ज नहीं, मत लगाओ ना, हराम है सो हराम है। बल्कि आप तो हो सकता है आप कहेंगे झूठ बोल रहे हो, मैंने कई दाढ़ी वालों को देखा लगाते हुए, क्या है ये? तो वही बात है कि हजरत शेख मक्की साहब फरमा रहे थे कि तहज्जुद के दो रकात पढ़ने तो कोई मुश्किल नहीं है, पता इंसान का चलता है इन मामलों के वक्त। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, क्यों हमारे हकीकत है हमारे उस्ताद फरमाया करते थे उसमें हम भी थे आप भी थे शब, वो फरमाया करते थे क्यों खुद या अपनी औलाद को हराम खिलाते हो कोशिश करते हो। देखें अल्लाह ताला की शान बड़ी निराली है, मक्की साहब के अल्फाज बड़े अजब नपे तोले हैं, हराम के एक लाख में खुदा ने वो बरकत नहीं रखी जो हलाल के एक रुपये में रखी है। ये बड़ों की बात है ना, आप और हमारे से ऊपर से गुजरेगी लेकिन ये हकीकत है, हराम के एक लाख में वो बरकत अल्लाह ने, हराम और बरकत की एक जगह जमा ही नहीं हो सकते, वो पता ही नहीं उसको चलेगा दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, उससे सारी जिंदगी बेचैनी में गुजार देता है। और किसी ने लिखा कभी आंख पता नहीं हो, ये भी हो सकता है यहां नरम बिस्तर पर सोए आंख खुले तो कब्र में पड़ाओ। दुआ करें अल्लाह ताला हमें इस्लाह की तौफीक नसीब फरमाए। ये बातें तो आप शुरू से सुनते आए, लोग कहते सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे हमें कहने की आदत पड़ गई है इनको सुनने की आदत पड़ गई है, हम कहते कहते मर जाएंगे ये सुनते सुनते मर जाएंगे। दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस्लाह की तौफीक।
حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے عقابے نے فرمایا کہ اللہ گویا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ تمہارے پر بھی آ سکتا ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے، اللہ عز و جلال و اکرام نے ان کو اور ان کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائی، اور وہ جو قوم تھی اس کا وہ حال ہوا جس کا میں نے خلاصہ پڑھا ہے بڑی بڑی کتابوں کے، یہ آدھے گھنٹے کی تقریر کئی کتابوں کا نچوڑ تھا، میں نے سنا دیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قصص الانبیاء سمجھنے کی توفیق دیں، اور میرا مقصد ایک ہی ہے قصص الانبیاء بیان کرنے کا کہ میں ہوں یا آپ ہوں، عقیدوں کو بھی صحیح کرو اعمال کو بھی صحیح کرو، وہاں نہ میں آپ کے کام آؤں گا نہ آپ میرے کام آئیں گے. حقیقت یہ ہے میں ہوں یا آپ ہوں، ایک وقت آئے گا جیسے آج ہم دوسروں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں، ایک دن آئے گا، ہو سکتا ہے چار دن بعد آئے، ہو سکتا ہے سال بعد آئے، ہو سکتا ہے دس سال بعد آئے، ایک دن آئے گا کوئی ہمیں بھی دفنا کر آ جائے گا، وہاں کچھ رہے گا نہیں، بس رہ جائے گا تو عمل رہ جائے. صحیح ہے غلط ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے یہ قبر ایک صندوق ہے، بھئی یا نیکیاں ڈالو گے یا برائیاں ڈالو. حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر کئی بار آیا ہے، اور آپ کو شاید یاد ہو میں نے کسی سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ عز و جلال و اکرام نے اگر توفیق دی تو ضرورت کے تحت میں بتاؤں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر اسلامی لٹریچر میں تو اس انداز میں ہے، قرآن پاک یا احادیث یا تفاسیر کی کتابوں میں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے حوالے سے بائبل میں کیا ہے، اس حوالے سے ضرورت کے تحت میں یہ چیز نقل کر رہا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ، ویسے ایک چیز سنیں، اللہم صلی علی رخسار محمد، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے ایک بات ایسی لکھی ہے اپنی کتاب آثار القرآن میں. آثار القرآن یہ کیا ہے؟ یہ علامہ خالد محمود صاحب کے قرآن پاک پر 40 مضامین کا مجموعہ ہے، اس میں ایک مضمون علامہ خالد محمود صاحب کا ہے خصوصیات قرآن. اس میں علامہ خالد محمود صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ قرآن کی شان ہے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ کی شان ہے، یہ دین اسلام کی شان ہے کہ دین اسلام اپنے سے پہلوں کے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کو شاندار الفاظ میں بیان کرتا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی خصوصیت ہے. ورنہ علامہ خالد محمود صاحب نے یہ آگے لکھا ہے کہ بائبل میں کہیں کہیں، باقی تو چھوڑیں، خدا کے نبیوں کا کہیں اس طرح دل آزار انداز میں تذکرہ ہے کہ لکھنے کے لیے بھی دل برداشت نہیں کر پاتا، لیکن ضرورت ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ عام طور پر کئی صدائیں ایسی سنائی دیتی ہیں کہ جو قرآن میں ہیں وہ بائبل میں ہیں، یا جو بائبل میں ہیں وہ قرآن میں ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا کہاں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے عقیدوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کا خیال رکھو، ان کو بتاؤ، خود کوشش کرو، یا ان کو ایسی مجالس میں بھیجنے کی کوشش کرو جہاں سے دین اسلام کی صحیح تعلیمات ملیں. یہ قرآن کی شان ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اپنے سے پہلے مذہبی پیشواؤں کو شاندار الفاظ میں قرآن یا حدیث پیش کرتی ہے؟ ورنہ یہاں یہ الفاظ دیکھیں آپ، یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے، آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ اسلام میں فرقے ہیں، سنا ہے؟ سنا ہے نہیں سنا ہے؟ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ فرقوں کا دور ہے اور اس میں فرقے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، فلاں ہے فلاں. اچھا، ان کے ہاں بھی فرقے ہیں یا نہیں؟ یہ ان میں سے، اصل میں ان میں بھی ہمارا، باقی کو آپ چھوڑ دیں، ہمارا جو ملک ہے نا، ہمارا جو ملک ہے وہاں ان کے چار فرقے ہیں. ایک دفعہ ایک پادری کے ساتھ میری گفتگو تھی تو میں نے اسے خود یہ پوچھا تھا، میں نے کہا میں باقی دنیا کی تو بات نہیں کرتا، ہمارے ملک میں تمہارے چار فرقے ہیں، کیتھولک ہے، یہ پرانا ہے، پروٹیسٹنٹ ہے، اب کے لحاظ سے یہ بھی پرانا ہو گیا ہے، پینٹیکاسٹ ہے، اور یہوا وٹنس ہے. میں نے کہا تم ان چاروں میں سے ایک ہو یا کوئی اور ہو؟
तो बहरहाल ये सवाल बड़ा दिलचस्प है एक लिहाज से, लेकिन उनमें से जो प्रोटेस्टेंट है ना, ये उनकी बाइबल है, कैथोलिक की अलग है, लेकिन कैथोलिक वाले में भी ये वाकया है, ये नहीं कि सिर्फ इसमें है, उसमें भी है। मैं आपसे पूछता हूं, देवबंदियों का कुरान, बरेलवियों का कुरान, अहले हदीस ब इस्तिलाही जदीद का कुरान एक है या अलायदा अलायदा? एक ही है ना। बात तो माने में जाकर अटकती है, लेकिन यहां जो है कैथोलिक वालों की अलग है और प्रोटेस्टेंट वालों की अलग है। आपको उसमें से मैं ये चीज सुनाता हूं जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत लूत की बेटियों के बारे में इसमें दर्ज है। इसलिए कभी भी इस किताब या उनकी तारीफ करने से पहले जुबान को मोहतात रखा करो। मेरा मकसद यह नहीं है कि जाकर लड़ो या उलझो, लेकिन राय का इजहार मोहतात रहकर किया करो। यह बाइबल उसका अच्छा किताब पैदाइश है। इसका किसी वक्त मैंने अर्ज किया था, यह पहला हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, किताब पैदाइश, किताब पैदाइश है और इसका बाब नंबर 19 है। तब पहलूठी ने, पहलूठी किसको कहते हैं? बड़ी को। किसको कहते हैं? बड़ी को। और अहले किताब में यह लफ्ज एक बड़ी अजीब तारीख रखता है। इन पिछले दो फिक्रों से यह तो बात समझ आई कि हजरत लूत और उनकी दो बेटियां एक जगह रहने लगे, यह इस कौम की तबाह होने के बाद का वाकया है। पहलूठी ने छोटी से कहा कि हमारा बाप बूढ़ा हो गया है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए, आओ हम अपने बाप को मैं पिलाएं और उससे हम आगोश हों ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उन्होंने उसी रात अपने बाप को मैं पिलाई और पहलूठी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पहलूठी ने छोटी से कहा कि देख कल रात मैं अपने बाप से हम आगोश हुई थी, आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उस रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई और छोटी गई और उससे हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। सो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हमला हुई थी। नकले कुफर, कुफर नबाशत, और मिलके बोलो नकले कुफर। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कि बाइबल के अंदर कलाम खुदा हो ये अलग बात है, लेकिन बाइबल कलाम खुदा नहीं हो सकता। हो सकता है? और बोलो तो सही। इसलिए अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है कि यह सिर्फ इस्लाम की शान है कि उन्होंने अपने से पहले मजहबी पेशवाओं को शानदार अल्फाज में बयान किया है, वरना बाइबल हजरत लूत का यह मुकाम बयान कर रही है। मैंने खुद एक पादरी से पूछा था कि क्या इस वाक्य के साथ इत्तेफाक किया जा सकता है, उसने इसका जवाब दिया था, वो जवाब भी बड़ा अजीब था। वो कह रहा था असल में हजरत लूत छोटे दर्जे के पैगंबर थे, नऊज बिल्ला। मैंने कहा छोटे दर्जे के पैगंबर थे, ये तो कोई शरीफ इंसान भी नहीं कर सकता। अच्छा, छोटे दर्जे का क्या माना? देखें अंबिया अलैहिस्सलाम के जो अपने दर्जे हैं वहां बात हो अफजलियत की, वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे और आपके जहां दायरे आते हैं, हम तो किसी खुदा के पैगंबर की जूती के जर्रे को नहीं पहुंच सकते। तो बहरहाल अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हम सब के हामी और नासिर हों, इंशाल्लाह ये सिलसिले चलते रहेंगे और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तौफीक दी, जिंदगी दी, तो बकियत है किस्सा है कससुल अंबिया, इंशाल्लाह किस्सा से कससुल अंबिया अलैहिस्सलाम ईद के बाद इंशाल्लाह। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नतें पढ़ लो।